ऑल राइट गाइज, वेलकम टू बॉडी बिल्डिंग गुरु। आज हमारी बॉडी बिल्डिंग की सभी अपडेट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं सुनमीत गिल की अपडेट से। तो गाइज, काफ़ी टाइम के बाद में इन्होंने अपना रिसेंट फिजिक अपडेट हम सभी के साथ में शेयर किया है, जिसमें हम देख पा रहे हैं इनकी बॉडी पर पहले से अच्छा मसल मास एड ऑन हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, इन्हें इस टाइम गेनिंग सीजन में चल रहे हैं और गेनिंग सीजन का ये चल रहा है 8 वीक, यानी ये इनके गेनिंग सीजन का लास्ट वीक है। तो गाइज, 8 वीक्स के अंदर सुनमीत भाई ने अपने फ्रेम पर अच्छा मसल मास पुट ऑन कर लिया है और अभी अपनी कटिंग स्टार्ट करने वाले हैं और प्रेप स्टार्ट करेंगे आने वाले भारत प्रोसो के लिए। तो गाइज, देखते हैं सुनमीत गिल भाई का पैकेज इस साल कैसा रहता है प्रोसो के अंदर, और इनकी फिजिक अपडेट्स को देखकर आपको क्या लगता है, क्या ये क्वालिफाई कर पाएंगे ओलंपिया के लिए या फिर टॉप 3 या टॉप 2 तक ही रह जाएंगे। कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताएं। इनके बाद में दोस्तों हमारी अपडेट है आईएबी प्रो राहुल फिटनेस की तरफ से। तो गाइस, जैसे हम सभी जानते हैं, राहुल भाई कॉम्पीट करने के लिए गए हांगकॉन्ग प्रो शो में, तो वहाँ पर इन्हें ट्रंक कमर मिला है 533। तो देखते हैं ये नंबर इनके लिए कितना लकी साबित होता है। वैसे इस टाइम ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के साथ चल रहे हैं और मेंटली डिस्टर्ब हैं, क्योंकि इनकी फैमिली में इस टाइम किसी की डेथ हो गई है। तो गाइज, आप सभी राहुल भाई के लिए ऑल द बेस्ट लिखते हैं, देखते हैं कैसा पैकेज वहां पर डिस्प्ले करते हैं। इनके बाद में दोस्तों मैं आप सभी को मिलाना चाहूँगा आईएबी प्रो अनेक घोष से। तो गाइज, अनेक घोष भाई ने भी अपना गेनिंग सीजन यानी रिकवरी फेज स्टार्ट कर दिया है, तो हम देख सकते हैं इस टाइम इनकी फिजिक पर थोड़ा मसल मास यानी फैट एड ऑन हो चुका है और अब ये अच्छे साइज के साथ हमें अगले प्रोसो में दिखने वाले हैं। बात करें इनकी फिजिक के बारे में, तो गाइज इनकी फिजिक का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है मेंस फिजिक के हिसाब से, और इस टाइम में इंडिया के बेस्ट मेंस फिजिक की लिस्ट में आते हैं और ये हमें ओलंपिया के स्टेज पर जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी फिजिक के अंदर और इनके अंदर वो पोटेंशियल है। इनके साथ ही बढ़ते हैं इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो अली बिलाल भाई की बैक की इम्प्रूवमेंट्स, जो इन्होंने थोड़े ही सालों के अंदर की हैं। पहले बैक इनकी थोड़ी वीक थी, पर अब इन्होंने अपनी बैक को काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कर लिया है और ये लाइनअप पर अब डोमिनेट करने वाले हैं ओलंपिया में, और हो सकता है इस बार ओलंपिया में अपनी प्लेसिंग को टॉप 6 या टॉप 5 तक भी ले जाएं, क्योंकि इनकी फिजिक फ्रंट से तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, पर बैक में भी इस साल इन्होंने काफ़ी अच्छी डेंसिटी और थिकनेस ऐड कर ली है, जिसकी वजह से ये फर्स्ट कॉल आउट डेफिनेटली क्रैक कर जाएंगे और प्लेसिंग का मामला हमें ओलंपिया के स्टेज पर ही देखने को मिलेगा। तो गाइज, अली भाई के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में ज़रूर बताएँ। इनके साथ ही हम बढ़ते अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई है मिस्टर ओलंपिया रायन टेरी की तरफ से। तो गाइज, रायन टेरी ने काफ़ी टाइम के बाद में अपनी एक पोस्ट शेयर करी है, जिसमें हम इनकी रिसेंट फिजिक अपडेट को देख सकते हैं। बात करें इनके बारे में, तो गाइज ये ओलंपिया से इस टाइम 6 वीक आउट हैं और इस टाइम इनकी फिजिक की कंडीशनिंग बहुत ही ज़्यादा शार्प और डिप्लीटेड है, जिसका अंदाज़ा हम इनकी फिजिक के अंदर जो फाइबर्स नज़र आ रहे हैं उनसे लगा सकते हैं, क्योंकि कोर इनका बहुत ही टाइट और स्ट्रांग है, शोल्डर्स में राउंडनेस, चेस्ट में फुलनेस और थिकनेस क्लियर विजिबल हो रही है। तो गाइज, रायन टेरी की इस फिजिक अपडेट को देखकर आपको क्या लगता है, क्या ये फिर से अपना टाइटल क्लेम कर पाएंगे या नहीं? इनके बारे में आपके जो भी थॉट्स एंड ओपिनियंस हों कमेंट में एक बार ज़रूर बताएँ। इनके बाद में हम बात करेंगे इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर एरिन बैंक्स के बारे में। तो गाइज, एरिन ने कल अपने इंस्टा पर अपनी बैक की कुछ फोटोज शेयर करी हैं, जिनको देखकर लगता है कि एरिन बैंक्स का इस बार कमबैक तगड़ा ही होने वाला है और ये पूरे गुस्से के साथ अपने टाइटल को वापस लेने के लिए आ रहे हैं। तो गाइज, आपको क्या लगता है, एरिन बैंक्स इस बार अपना टाइटल रिक्लेम कर पाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताएँ। और मुझे तो लग रहा है इस बार एरिन बैंक्स जीत सकते हैं ओलंपिया का टाइटल, क्योंकि इस साल एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम लेकर जा रहे हैं ओलंपिया में और फिजिक के अंदर भी इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं। इनके बाद हमारी अपडेट है 212 मिस्टर ओलंपिया चैंपियन कियोन पियर्सन की तरफ से। तो गाइज, कियोन ने अपना एक सिंपल पोजिंग वीडियो शेयर किया था, जो इनकी लेटेस्ट अपडेट का है। तो गाइज, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कियोन ने बहुत ही अच्छा फ्रेम अपना बना लिया है और जो यहाँ पर मसल मास नज़र आ रहा है वो बहुत ही तगड़ी डेंसिटी के साथ और राउंड मसल्स बेलीज के साथ शो हो रहा है। तो गाइज, इस बार कियोन पियर्सन का कहना है कि ये इनका लास्ट ओलंपिया होने वाला है 212 डिवीज़न में और ये इसे ऐसे ले रहे हैं कि ये इनका पहला ओलंपिया टाइटल हो, तो यह तो हम कह सकते हैं कि इजीली ये जीत जाएंगे ओलंपिया पर। क्या है आने वाले सालों के अंदर मेंस ओपन में स्विच करेंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दोस्तों ये अपने फ्रेम पर साइज तो इजीली पुट ऑन कर लेंगे और इनकी फिजिक का स्ट्रक्चर डेक लंसफर्ड के जैसा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी अच्छा कमाल कर जाएं। तो गाइस, देखते हैं आगे कियोन पियर्सन की तरफ से क्या अपडेट्स आती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही,
अगर आपको हमारी ये अपडेट्स पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक कर दें और बॉडी बिल्डिंग की डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।